बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नया आयाम हासिल कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे। आपका भारत 24 में बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे बात की जाए, जिस प्रकार से आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं और लगातार अर्बन क्षेत्र हो या रूरल क्षेत्र हो, क्या नई योजनाएँ आ रही हैं, क्या बेहतर बनाई जाएगी शिक्षा में? देखिए, पिछले 2 साल में योगी जी की सरकार में जो पहला योगी वन था, उसमें बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाए वो, क्योंकि इस प्रदेशवासियों का दुर्भाग्य या प्रदेश का दुर्भाग्य या राजनीतिक दलों की मानसिक विकृति क्या कहें, कि इस प्रदेश में ऐसे राजनीतिक दल भी मौजूद थे जो कहते थे कि युवाओं तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे। ऐसी चरमराती शिक्षा व्यवस्था योगी जी को मिली थी। पहले में वो पटरी पर लाए और दूसरी में दौड़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2 साल के अंतर्गत जो उपलब्धियाँ हैं योगी सरकार की, उसमें योगी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि जो हमारा संकल्प पत्र में था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद भी प्रत्येक मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, 18 में से 6 मंडल में नहीं थे, अब 6 मंडलों में सरकारी विश्वविद्यालय या तो निर्माणाधीन है या प्रारंभ हो चुके हैं। दूसरा, नए विश्वविद्यालय को आमंत्रित करना, लाना, जिससे कि ये शिक्षा का हब बन सके। अब 25 के लगभग प्रायोजक संस्थाओं को LOI या LOP मिल चुकी हैं, जिससे वो निजी विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, खुल गए हैं, कुछ खुलने जा रहे हैं। ये 2 साल की और उपलब्धि है। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है एजुकेशन में और गुणवत्ता भी बढ़ रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तीसरा, कि रैंकिंग में आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय रैंकिंग ग्रेडिंग में है। जैसे नैक रैंकिंग होती है, नैक रैंकिंग में 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++, 4 सरकारी विश्वविद्यालय A+ और 4 A, ऐसी निजी विश्वविद्यालयों में 4 विश्वविद्यालय A++ और 4 A+ श्रेणी में आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। UGC की ग्रेडिंग में 2 विश्वविद्यालय Grade 1 में आ चुके हैं। तो ये सब शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर है। और अब नई नीति के अनुसार एक और माननीय योगी जी ने हमको आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय हो जाए, जिससे उच्च शिक्षा अंतिम छोर तक पहुंच सके। और उस हेतु नई पॉलिसी बना रहे हैं, जिनमें प्रायोजक संस्थाओं को इंसेंटिव्स मिलेंगे और कुछ प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे कि वहाँ भी आकर्षित हों प्रायोजक संस्थाएँ और हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने का अभियान चलेगा। जैसे बात की जाए शहरी में, तो उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो एक अच्छे मुकाम हासिल कर रही है। रूरल में जो निम्न वर्ग के और उनसे नीचे लोग हैं, उनको क्या कुछ नया उनके लिए ऐसा करने जा रही है? मैंने बताया कि नई शिक्षा नीति बन रही है, विश्वविद्यालय के निर्माण की नीति। हर जिले में एक विश्वविद्यालय होगा। हर जिले में महाविद्यालय तो हैं, विश्वविद्यालय भी होगा। और विश्वविद्यालय के बनने से उच्च शिक्षा अंतिम छोर तक पहुंचेगी, तो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, अंतिम छोर तक उच्च शिक्षा पहुंचेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय खुलेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई का सीधा नियम है। जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो चीज़ अब आसानी से उपलब्ध होती है। जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो मुश्किल होती है। जब हम अधिक से अधिक विश्वविद्यालय खोल देंगे तो हर एक को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र उपाध्याय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे नीचे से लेके ऊपर, सभी के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिले स्तर पे हो चाहे वो रूरल क्षेत्र में हो। कैमरामैन उपेंद्र के साथ अश्वनी अवस्थी, 12/24 लखनऊ।